तो आज की हम इस क्लास में हम आपको बात करेंगे आपके साथ एक्सटर्नल पिवट टेबल के बारे में। तो उससे पहले हम एक प्रॉब्लम शेयर करेंगे कि आखिर पिवट टेबल में हमारी प्रॉब्लम क्या होती है। ठीक है, तो एक डेटा आपके सामने मैं लेके आया हूं, मैं इस पर एक बार बता रहा हूं। अभी डेटा है तो मान लीजिए कि आपने इसके ऊपर पिवट लगा दिया। पिवट लगाने के बाद अगर आप डेटा के अंदर कुछ नई डेटा अगर चेंज करेंगे तो क्या होगा सर? जैसे मान लीजिए कि मैंने रिकॉर्ड कर लिया, अगर आप पुरानी डेटा में से किसी को चेंज कर दे, जैसे मैं 54 की जगह 50 कर दूं, तो यहां आप पिवट पे जैसे ही रिफ्रेश करेंगे वो आपका फिगर चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहां कोई नई डेटा ऐड करते हैं, तो जैसे मैंने 979 और ये सारी चीज डेटा ऐड कर ली और नाम पूजा के जगह पे मैं एक नया नाम रख देता हूं, मान लीजिए मैं राकेश कर देता हूं, आप ही का नाम देता हूं सर। अभी जो राकेश है वो यहां रिफ्रेश करते नहीं आएगा। क्यों नहीं आया? क्योंकि जब मैंने पिवट लगाया था तो मेरा पिवट का रेंज 797 रो तक था, हमने नया रो 798 ऐड किया जो कि पिवट के अंदर नहीं है, और पिवट जो है ऑटोमेटिकली उसको कंसीडर नहीं करता है। तो रेंज को हमें हमेशा अपडेट करना होता है पिवट टेबल एनालाइज में। यहां पे आपके पास होता है चेंज सोर्स डेटा और फिर वापस से मुझे डेटा को रीसिलेक्ट करना होता है, तब जाके आपके अंदर देखिए, यहां देखिए राकेश जी का नाम शो हो गया। अब यही एक प्रॉब्लम होती है कि मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा किया है कि मैं डेटा डालता जाऊं और रिपोर्ट बनता जाए, तो रिफ्रेश तो चलो कर सकते हैं, या फिर रिफ्रेश अगर ना करना चाहे तो यहाँ पिवट टेबल में एक ऑप्शन होता है डेटा में कि यहाँ रिफ्रेश डेटा व्हेन यू ओपन फाइल, तो जैसे मैं फाइल ओपन करूंगा ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा। लेकिन डेटा को सिलेक्ट करना मतलब कि अपने डेटा सोर्स को, जो सोर्स डेटा है उसको बार बार अपडेट करना, एक थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी आपके ऑटोमेशन में। तो इसका क्या उपाय हो सकता है? देखिए इसके टोटल तीन उपाय हैं, दो तो मुझे लग रहा है आपको इजीली समझ में आ जाएगा, लेकिन तीसरा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा मेहनत करना होगा। तो पहला उपाय है कि डेटा को आप टेबल फॉर्मेट में रख दें। किसमें रख दें? टेबल फॉर्मेट। हमने इसको कर दीजिए डेटा एज ए टेबल। अब इसका एक नाम हो गया टेबल वन, इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं, इसका नाम डेटा वन भी रख सकते हैं, तो आप इस टेबल का नाम चेंज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जैसे कोई डेटा यहां एंट्री होगी, 798 एंट्री होगी, तो ऑटोमेटिकली टेबल अपने आप को इंक्रीज कर लिया ना, देख रहे ना सर, यहां पर आ गया लाइनिंग। राकेश जी एक बार फिर से बताइए सर। देखिए अभी अभी डेटा कहाँ है? अभी आपका अभी 799 में है। नहीं अभी मान लो 797 है तो पिवट लगेगा, 797 तक डेटा आएगा। करेक्ट, मैं एक पिवट लगा भी देता हूँ। ठीक है, मैंने इंसर्ट किया पिवट टेबल, तो यहाँ देख रहे हैं पिवट टेबल में इसने डेटा को लिया, मतलब कि डेटा वन को लिया, इसने रेंज नहीं लिया क्योंकि टेबल को रीड किया, और फिर वो रेंज से उसको मतलब नहीं है, और डिफाइंड नेम सिस्टम चल गया। तो अगर टेबल नेम डाल देंगे तो पूरा शीट लेगा। हमने जो टेबल डिफाइन किया हुआ है ना सर, टेबल लेगा, टेबल का जितना रेंज है वो लेगा, हमने जितना एरिया सेलेक्ट करके हमने टेबल डिफाइन किया था ना सर। करेक्ट, वो लेगा। लेकिन टेबल के अंदर फीचर है कि जैसे ही टेबल के अंदर कंटिन्यूअस कोई नंबर आप डेटा रखते हैं तो टेबल अपने आप को इंक्रीज कर लेता है। जैसे मान लीजिए 797 आप करते हैं तो यहाँ जो है बढ़ गया, अपने आप बढ़ गया ना सर, देखा ना आपने। हाँ ठीक, और जब ये बढ़ जाएगा तो आपको यहाँ जस्ट क्या करना है, रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश यहाँ आपको जस्ट रिफ्रेश करना है सर। यहीं पे छोटा सवाल है, यदि बड़ा डेटा हुआ तो फाइल हैंग तो नहीं होगा? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो आपका नॉर्मल डेटा यूज करेगा वही बड़ा डेटा यूज करेगा, उसमें ठीक है। तो ये इतना समझ में आ गया आपको?
अब इसमें अगला सवाल उठता है कि कभी इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी। प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी कि आपके पास जो डेटा है 797 जो आपने डेटा डाला हुआ राइट, अब जब नॉर्मली टाइप करेंगे तो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन कॉपी पेस्ट करते समय थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो बहुत केसेस में देखा गया है कि पिवट अपने आप टेबल अपने आप अपडेट नहीं होता है, तो हमें क्या करना होता है, इसको लेके नीचे इसको ड्रैग करना होता है टेबल। अब यही एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है कि टेबल फॉर्मेट पर रखने से कुछ और भी प्रॉब्लम होती है। सो टेबल फॉर्मेट हमारे लिए सबसे अच्छा चीज नहीं राइट तो मैं इसको टेबल डिजाइन में जाके कन्वर्ट टू रेंज करता हूं, टेबल को रिमूव कर देता हूं। तो पहला ऑटोमेशन समझ गए, अब दूसरे ऑटोमेशन में आते हैं। दूसरा ऑटोमेशन आता है, वो आता है एक्सटर्नल डेटा सोर्स का। तो आपको क्या करना है कि दूसरे शीट पे इंसर्ट पिवट टेबल, यहां नीचे करेंगे तो यहां आएगा फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्स, ठीक है, यहां पे चूज कनेक्शंस ब्राउज फॉर मोर, यहां ध्यान रखिएगा सर, आपको चूज कनेक्शंस ब्राउज फॉर मोर पे क्लिक करना है। जब ब्राउज फॉर मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको फाइल सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो आप अपने लोकेशन में जाएं, अपना फाइल सिलेक्ट करें और जस्ट ओके कर। अब इस फाइल में जितने नंबर ऑफ शीट्स होंगे वो दिखाएगा, जिस सीट पर आपका डेटा है उस सीट को सिलेक्ट करें एंड ओके एंड ओके। अब आपका डेटा पूरी तरह से ऑटोमेटेड हो गया और डेटा आपका टेबल फॉर्मेट भी होगा, सिर्फ फर्क नहीं पड़ता है। अब यहां पे जैसे मान लीजिए 798 और यहां पे हमने डाल देते हैं डेटा। अब यहां मान लीजिए राजेश जी का नाम लिखते हैं, 48 की जगह पे 50 कर देता हूं। अब मुझे क्या करना है, अपने पिवट को जस्ट रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करते ही देख रहा है आपको सर आ गया 50। इसमें एक और अच्छा बेनिफिट है क्योंकि जब जब करेंगे तो डेटा के अंदर कनेक्शन क्रिएट हो जाता है। तो क्यूरियन कनेक्शन में जाएंगे तो वहां आप एक चीज सेट कर सकते हैं, यहां डेटा मेनू बार के अंदर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज पे आए, यहां आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि ऑटोमेटिकली रिफ्रेश 1 घंटे में, 2 घंटे में, 10 मिनट में ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता चला जाए, ठीक है। एक बेनिफिट ये मिलता है, लेकिन एक छोटे सी प्रॉब्लम इसमें भी है। प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले बात की एक फाइल लोकेशन की सिस्टम है, अगर मान लीजिए कि अपना फाइल कहीं चेंज कर देते, डेटा मैंने उठा के मैंने डी ड्राइव में रख दिया, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, या आपको मैंने भेज दिया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि आपके अब मेरा पाथ तो मेरे सिस्टम का पाथ है ना, आपके सिस्टम का पाथ थोड़ी है, मतलब एक ही फोल्डर में होना चाहिए। हाँ, फाइल जब जब लगाया था आपने उसी समय का होना चाहिए, मतलब जो पाथ क्रिएट हुआ वो फिक्स होना चाहिए। अच्छा, दूसरा एक कॉलम को रीड नहीं करता, अगर आपने इसमें कुछ नया कॉलम ऐड कर दिया वो रीड नहीं करेगा, मतलब वो रो की रीड करता है, कॉलम वो फिक्स कर देता है, समझे। अगर आप नया कॉलम रीड करेंगे तो पिवट टेबल ये अपने आप को अपडेट नहीं करेगा। तो दूसरा तरीका समझ में आ गया कैसे करना है और क्या क्या इसकी बेनिफिट्स है, कि क्या क्या नुकसान है। एक बार हाँ, सीट वन में एक बार जाए, अगर मान लीजिए ए फॉर जी के बीच में कॉलम इंसर्ट करते हैं ऑलरेडी टेबल सिलेक्ट कर लेता हूं, मान लीजिए करके देख लेते, मैंने कभी किया नहीं, मान लीजिए मैं कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे देता हूँ बीच में करने से आई थिंक ले लेगा, रिफ्रेश नहीं है, नहीं लिया ना सर, नहीं ऊपर से क्वांटिटी जो था वो भी हट गए, तो नहीं लेगा, कॉलम रीड नहीं करता, मैंने पहले बताया। अरे एक छोटा सा वो है, मतलब क्वेरी है कि जैसे सीट वन अभी क्या हो ना, हम पाइवट जो बनाते हैं, जो मैंने सीखा कि हम किसी एक सीट पे है और हम पाइवट क्रिएट कर देते हैं, मान ली सर मेरे वर्कबुक में पूरा सेम फील्ड में डेटा पड़ा सीट वन सीट टू सीट थ्री, तो क्या तो भी पाइवट बना सकते हैं, कि पाइवट या अलग अलग बनाना पड़ेगा। मैं उसके चीजें बताऊंगा जब मैं डेटा कनेक्शन समझाऊंगा ना,
तो यहाँ होता है फ्रॉम फोल्डर, जी जी तो यहाँ ये जो होता है मर्ज क्वेरी वगैरह होता है वो मैं आपको बताऊँ, फिलहाल जो है कीवर्ड का पार्ट नहीं है जी। अब यहाँ पे दूसरा तरीका आप बता रहे हैं, दूसरा तरीका है फॉर्मूला, फॉर्मूला है ऑफसेट का। मैं बताया था कि तीसरा जो है कॉम्प्लिकेटेड है, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखिए, तो मैंने यहाँ पे A1 को सिलेक्ट किया और कॉमा, हमने रो दे दिया 0, कॉलम दे दिया 0, और हाइट और विड्थ में हमने हाइट में काउंट ए का फॉर्मूला लगाया और काउंट ए में हमने ले लिया पूरा कॉलम ए, और विड्थ के अंदर भी हमने काउंट लगाया काउंट ए और हमने ले लिया पूरा 1/1। देख लीजिए सर, समझे? तो ऑफसेट फॉर्मूला क्या करता है, रेंज क्रिएट करता है। तो ए फॉर्मूला मुझे यहां नहीं रखना है, इस फॉर्मूले हमने जो लगाया ऑफसेट A1 से स्टार्ट होगा और हमने रो कॉलम 0 कर दिया, रो हाइट में हमने पूरी डेटा के कॉलम का काउंट ले लिया और कॉलम विड्थ में, मैंने विड्थ में हमने क्या लिया पूरा रो कॉलम मैंने हेडिंग रो का काउंट ले लिया, ठीक है? सिंपल सा। अब इस फॉर्मूले को हमें कॉपी कर लेते हैं और जाना कहाँ है, हमें जाना है फॉर्मूला मेनू बार के अंदर डिफाइन नेम में और यहां देना है अपना, जैसे मैंने दे दिया डेटा 2 और यहां पे हमने इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है? मैं एक बार नेम लेने बताता हूं कि हमने यहां पे डेटा पेस्ट कर दिया। तो फॉर्मूला मेनू बार क्या कर, ये क्या करेगा कि पूरी की पूरी रेंज को लेगा और उसके हिसाब से जो फॉर्मूला लगा है उसके हिसाब से पूरा रेंज बना देगा। और जैसे कि काउंट ए का फॉर्मूला क्या करता है, ये बताता है कि कॉलम ए में कितना काउंट है, कॉलम 1 में कितना काउंट है, एक काउंट बताता है, ठीक है? तो ये पिवट का रेंज सिलेक्शन के लिए करना पड़ रहा है। हाँ हाँ, तो ये क्या होगा कि मैंने पिवट टेबल को हमेशा अल्टरनेट अपडेटेड रेंज बना के देता रहेगा ऑफसेट। सिंपल से बात समझिए ना, मतलब कितना भी रोज बढ़ा लो कितना भी कॉलम बढ़ा लो, जी जी जी, वो अपने आप फॉर्मूला बढ़ा देगा। अब पिवट टेबल में हमने जो नेम डिफाइन किया था डेटा 2, वो यहाँ डेटा 2 डालेंगे और पिवट टेबल क्रिएट कर लेंगे एक नई वर्कशीट के ऊपर। आ गया सर? अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे अमाउंट का फिगर बनाया अमाउंट और यहाँ हमने मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों को, ठीक है? देखिए पिवट टेबल में जस्ट रिफ्रेश करेंगे और यहां पे देखिए अमाउंट का कॉलम नहीं है ना, नहीं है कॉलम यहां पे, नहीं, तो यहां जस्ट रिफ्रेश करेंगे। अभी लिया नहीं सर हमने कुछ भी, क्या नहीं लिया, फील्ड नहीं लिया ना, रेफरेंस नॉट वैलिड, अरे अमाउंट दे रखा मैंने सर, हमने फील्ड ही नहीं सेलेक्ट किया ना, क्या फील्ड में हम रिफ्रेश कर, नहीं नहीं उसे क्या, हमने तो दिया हुआ है ना फॉर्म, है फॉर्मूले में वहाँ जो फॉर्मूला है ना उसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेम मैनेजर यहाँ, ओ सॉरी माफ कीजिएगा, हमने लगाया तो सही है लेकिन हमने यहाँ पे ये नहीं किया है, फ्रीज नहीं किया इसको, हमने छोटी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी कि हम यहाँ फ्रीज नहीं कर पाए इसलिए ऐसी प्रॉब्लम नहीं, समझे सर? ये ध्यान रखिएगा, इसको फ्रीज कर दीजिएगा, ठीक है जी। अब इसको यहाँ टिक कंडीशन लगाइए एंड ओके कर। अब मैं जो फॉर्मूला बनाऊंगा और यहाँ दूंगा, अब जो मैं पिवट लगाऊंगा उसमें मैं लिखूंगा यहाँ पे डेटा 2 एंड ओके। आ गया सर, अमाउंट आ गया यहाँ पे। अब मैं नया ऐड करता हूँ, मतलब मैं यहाँ पे GST ऐड करता हूँ, कॉलम जैसे अब यहाँ GST कॉलम फिल नहीं है, रिफ्रेश करूंगा, आ गया GST सर,
अब लगाएंगे तो जीएसटी आपको यहाँ दिख जाएगा कि जीएसटी टोटल कितना लगा। ओके ये ऑनसेट वाला फॉर्मूला लगता है फर्स्ट टाइम ही बता रहे हो। तो ये फॉर्मूले के सेशन अभी हुई थोड़ी है, अब फॉर्मूले की चीजें बताऊंगा ना, बट मैं पिवट से रिलेट करता था इसलिए समझा दिया, जब ऑफसेट पढ़ाऊंगा तो अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, ये सबसे वो है फिक्स चीज है कि जी हाँ जी हाँ, इसमें कोई भी कॉलम ले लो, ले लो किसी भी कहीं भी फाइल भेज दो, कहीं बुला लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा फाइल भी कहीं रख दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? जी जी, क्योंकि इसमें इसमें फाइल पास से कोई लिंक ही नहीं है ना सर, फाइल के पास से कोई लेना नहीं, तो फाइल के अंदर काम कर रहा है। अच्छा अब चलिए, अब कुछ और छोटे छोटे चीज को एक बार देख लेते हैं। जैसे कि मैं यहां इंसर्ट करता हूं पिवट टेबल, तो पिवट टेबल में हमने यहां पे आपके सामने एक्सटर्नल डेटा सोर्स बताया, इसमें हमने अभी क्या किया कनेक्शन में, हमने एक्सेल फाइल लिए, तो एक हमने सेम फाइल पे लिए, आप किसी नई फाइल पे भी ले सकते हो। जैसे मेरे पास नया फाइल दिख रहा है सर आपको, तो होता है क्या है कभी कभी हमारे पास एक कॉम्प्लिकेटेड फाइल होती है, एक फाइल ऐसा होता है जो कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत बड़ा है, डम फाइल जिसको हम लोग बोलते हैं, तो हम लोग क्या है कि कुछ लोग ऐसे जो उस डम फाइल से रिपोर्ट्स वगैरह कैरी करते हैं, तो आप चाहते हैं कि हम उसको डम फाइल का पूरा एक्सेस ना दें, समझ रहे सर? हमने चाहते हैं कि डम फाइल को एक्सेस करें, डम फाइल को चेंज करें, उनको रिपोर्ट चाहिए, आप रिपोर्ट दें। जैसे भी डेटा वन की फाइल में चाहता हूं कि आप नहीं हो, आपको नहीं लेना है, आपको रिपोर्ट डेटा वन से रिपोर्ट चाहिए ना, ठीक है, तो हमने क्या किया कि डेटा वन को किसी और लोकेशन में रख दिया और यहाँ एक्सटर्नल डेटा सोर्स में फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्स चूज कनेक्शन ब्राउज फॉर मोर, और यहां हमने क्या कर दिया सिलेक्ट कर दिया डेटा वन। पर यहाँ भी एक और बेनिफिट होता है, कभी कभी क्या होता है कि आपके जो डम फाइल होते हैं वो काफी लार्ज होते हैं, काफी बड़े होते हैं, जब भी आप उसको ओपन करते हैं तो काफी टाइम लेता है ओपन होने, तो ऐसे फाइल को भी आप जो है एक्सटर्नल पिवट अगर यूज करते हो तो आप फाइल ओपन करके फिर उस पर पिवट लगाओगे तो काफी ज्यादा स्लो वर्क करेगा, तो आप फाइल को बिना ओपन किए हुए आप एक्सटर्नल डेटा सोर्स से कर ले तो आपको जो प्रॉब्लम होगी जस्ट पिवट लगाते समय होगी, पिवट लगाने के बाद आपका स्मूथली वर्क करेगा। ठीक है सर जी, सेम उसी तरह से अगर आपका आपके पास डेटा एमएस एक्सेस में पड़ा है, आपका डेटा एक्सेल में नहीं है, तो यहां एक्सटर्नल डेटा सोर्स में क्लिक करें और यहाँ पे चूज कनेक्शंस ब्राउज फॉर मोर, जैसे आपने एक्सेल फाइल सिलेक्ट किया है वैसे ही आप एमएस एक्सेस की फाइल सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसमें अपना टेबल सिलेक्ट कर लो, देन उसके अलावा मान लीजिए सिक्वल में है डेटा आपके पास, तो आप यहां सिक्वल सर्वर से भी अपने फाइल को लिंक कर सकते हैं, फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्स चूज कनेक्शंस ब्राउज फॉर मोर और न्यू सोर्स। अगर आप देखिए एक्सेस का या फिर फाइल वगैरह तो सिलेक्ट कर ही सकते हैं जो एमएस ऑफिस क्रिएट करता है, उसके अलावा आपके पास अगर कोई फाइल का पाथ है आपको समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, तो पूरी की पूरी पाथ को यहां पेस्ट कर सकते हो। दूसरा, न्यू सोर्स पे जाओगे तो वहां पे आप डेटाबेसेस को लिंक कर सकते हो, जैसे एसक्यूएल सर्वर हो गया, या आपका एनालिसिस सर्विस हो गया, डेटा फीड हो गया, ओडीबीसी डीएनएस हो गया, या ओरेकल हो गया, जो कंपनी आपकी यूज करती हो उस पे वहां से लिंक कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं एसक्यूएल सर्वर को कर रहा हूं, मैंने नेक्स्ट किया। अब यहां पर आपको अपना सर्वर नेम देना होगा, अब सर्वर नेम कहां से पता चलेगा, तो आपके पास जो एसक्यूएल सर्वर की लोकल होस्ट होगी या क्लाइंट होस्ट होगी वहां से आपको पता चलेगा। मैं एक बार कर मैं अपना एसक्यूएल सर्वर ओपन कर रहा हूं, चाहिए तो मैं सर अभी एक्सेल के अलावा और कुछ सीखने के लिए हमें बहुत सारी चीजें परचेज करनी पड़ेगी, अब डिपेंड करता है सीखना क्या चाहते हैं। लाइक सर ये एक्सेल तो हो गया एक्सेस, और अभी एक्सेस तो आपके एमएस ऑफिस के अंदर ही आता है, वीवी आपके अंदर के एक अंदर में आता है,
हाँ, और कोर्स की बात करें तो अलग अलग कोर्सेज हैं, तो आपने जो इनरोल किया हुआ है वो इनरोल कोर्स अलग है, जो कोर्स इनरोल किया उसी हिसाब से होगा। जी तो अभी क्या क्या रहेगा सर हमारे कोर्स में? और अभी तो एसक्यूएल पाथ होगा, फिर एक्सेल होगा, एक्सेल के सारे फीचर होंगे, एक्सेल की इनबिल्ड फीचर मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट ने आपको बना के दिया है, और सब कुछ होगा। ओके, वो तो एक्सेल का पार्ट है सर, बट हमने डिसाइड किया था कि एमएस एक्सेस और वो भी लेंगे सर, मैक्रो भी लेंगे। हाँ तो वो भी रहेगा, पर यहाँ पे फोकस करते हैं ना सर, क्लास को डाइवर्ट मत कीजिए। ओके, तो यहाँ पे आईपीटी एक्सेल सर्वर स्क्रिप्ट हमने ले लिया, और यहाँ पे हमने उसके क्या था, ये सर्वर नेम था, यहाँ से जब कनेक्ट करते यहाँ पर दिखा सर्वर नेम। अब सर्वर नेम, अब देखिए मेरा क्या है, लोकल होस्ट, तो ये विंडो ऑथेंटिकेशन पे चलता है, मतलब कि जो विंडो लॉगिंग होती है उसी लॉगिंग को लेके चलता है। लेकिन कंपनीज में क्या होता है, क्लाइंट होस्ट होता है, तो वहां पे यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होता है। तो जब आप यहाँ कनेक्ट करते हैं एक्सेल में, तो यहाँ भी सेम चीज सेलेक्ट करना होता है कि आपका विंडो ऑथेंटिकेशन है या फिर आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड। इसको नेक्स्ट करते हैं। अब इसमें पता, इसमें आ जाता है आपका डेटाबेस। अब एक सर्वर पे कई सारे डेटाबेसेस होते हैं, तो आपका डेटाबेस कौन सा है वो सिलेक्ट कीजिए, और उस डेटाबेस के अंदर जितने भी सीट्स टेबल्स होंगे वो टेबल्स आ जाएंगे। जैसे हमारा सेल्स टेबल है, सेल्स टेबल आ गया, ये आपका डीटी में आइए कोई टेबल नहीं है तो नहीं आया, तो ये सेल्स टेबल आपके सामने आ गया। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए और फिनिश कर एंड ओके। तो आपका डेटा देखिए पिवट जो है कहां से लगा, आपका एसक्यूएल सर्वर से लग गया। ठीक है जी, तो आपका एसक्यूएल सर्वर से लग गया। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? अब आती है कभी कभी क्या होता है कि एक लोकेशन से हमें फाइल डाउनलोड करना होता है, तो जैसे मान लीजिए कि मेरा सॉरी माइक म्यूट था, मैं पूछा था सर सर्वर में कोई भी डाटा अपलोड करेंगे तो इस पिवट में हम रिफ्रेश करेंगे तो आ जाएगा। जी 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 ठीक ओके। जैसे मान लीजिए मैं कर ही के दिखा देता हूँ आपको, आपको कंफ्यूजन होगी, यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट हो गया डेटाबेस में गया, और ये अगस्त में है टेबल्स सेल्स, मैं इसको एडिट करता हूं, ये डेटा आ जाए। ठीक है ना, अब इसके अंदर मैं कुछ भी एंट्री करूंगा, ये डेटा आ जाता है सब कुछ का, कोई भी इंटीग्रेशन नल है, तो मैं यहां देख काम करता हूं 76 एंटर करता हूं, 76 76, और नेम भी मान लीजिए मैं राकेश जी का नाम दे देता हूं। ठीक है, इसको मैं एक बार सेव करता हूं, ऑटोमेटिक सेव होता है। अब मैं यहां पर डेटा रखता हूं, नेम उठाया, और मान लीजिए मैंने इसको जून अप्रैल रख देता हूँ, तो ये राकेश जी का नाम कहीं नहीं है, मैं पर इसको रिफ्रेश करता हूँ, आगे राकेश जी, राजेश जी का नाम। ठीक है ओके चले। अब जो अगला ऑप्शन हमारा आता है, जैसे कि मैं कहीं से कोई एक्सेल की फाइल है मेरी, उसको मुझे डालना है, इसको देख लीजिए ऑर्डर विथ नल्स दिख रहा है ना, क्लिक करते डाउनलोड हो रहा है। तो मान लीजिए इस लोकेशन से, इसी इस लोकेशन पे एक फाइल होती है, उसे हमेशा डाउनलोड करना होता है। अब डाउनलोडिंग जो पाथ है, पाथ दिख रहा है सर आपको, ये पाथ अगर बिल्कुल सेम है आपके लिए,
पाथ अगर बिल्कुल सेम है तो यहां पे कॉपी लिंक एड्रेस कीजिए और आप यहां पे आइए इंसर्ट फ्रॉम पिवट टेबल एक्सटर्नल डेटा सोर्स चूज कनेक्शंस ब्राउज फॉर मोर और यहां पे पेस्ट कर दें एंड ओपन। ठीक है लेकिन पाथ सही होना चाहिए। पाथ जैसे कि कुछ पाथ ऐसे होते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट वाले पाथ होते हैं। अभी देखिए पाथ जावास्क्रिप्ट वाला ये नहीं ले रहा है समझ गए। जिस पाथ के अंदर में डॉट एक्सएलएस लगा होगा बात समझे समझ इसे नहीं लगा ना तो ये आपको वेब पेज खोल दिया। आगे सर बेटा आगे अभी इस पाथ को हम एक बार लेते हैं इस नहीं इससे भी नहीं होगा से फिर भी लेकर ट्राई करके देखते हैं क्या दिक्कत। नहीं होगा या फिर पूरा पाथ लेता है इसके बाद होता है बिना पाथ का नहीं होता है। तो सर इसकी प्रैक्टिस कर ले कल क्लास लेते हैं। कल क्लास में हम बात करेंगे स्लाइसर्स के बारे में सर स्लाइसर्स एंड इस सब के बारे में बात करें।